कितने लोगों को तो खाने पीने का ढंग भी नहीं मालूम। अभी भी जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, मूली नहीं खाते मछली खाते हैं। अब ये कहाँ ज्ञानी हो सकता है? एक मूली में उससे ज्यादा ताकत है, मछली से भी ज्यादा। एक गाजर में बहुत ताकत है, वो मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिड़िया खाते हैं, बकरी खाते हैं। बूढ़े हो गए अब नहीं खाते हैं, पूछो क्यों नहीं खाते? बोले दांत गिर गए, हड्डी नहीं चबा पाता इसलिए नहीं खाता हूँ। त्यागी थोड़े हो गए, मजबूरी महात्मा गांधी बन गए, तो ये कौन त्याग है? ऐसा भोजन होना चाहिए जिस भोजन में दूसरे जीवों की जिंदगी बर्बाद ना हो, तुम भी जियो और उनको भी जीने दो। आप पानी में देखिए मछलियां जब तैरती हैं, क्रीड़ा करती हैं, कूदती हैं, उछलती हैं, फुदकती हैं, भागती हैं, कितना सुंदर लगता है। उन मछलियों को पकड़कर तुम मार कर काट कर खा लेते हो, और मछली इतनी गंदी होती है, मछली नाक थूक खखार बलगम गोबर गंदगी मुर्दा सड़ा गला सब खाती है। ये आदमी कितना हिम्मती है कि उस मछली को फिर ये खाता है, और फिर कहता टेस्ट बहुत आया। आएगा ही, इतनी गंदगी एक साथ खाए हो कभी नहीं खाना चाहिए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबह न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। अभी भोपाल में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी माननीय पधारे थे, तो उसमें मुझे स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया था कि संतों में किसका चुनाव किया जाए, तो बोले असंग देव को बुलाओ। तो मैं गया वहाँ, तो उन्होंने खुद कहा कि गुरु जी का प्रवचन हो जाए 20 मिनट। तो वहाँ पर 1 लाख लोग कम से कम इकट्ठे थे, तो प्रवचन सुनाया मैंने। फिर मेरे से बोले कि मेरे घर आना दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोले कि मैं भी सुनाऊँगा कुछ, हमने कहा सुनाओ आप भी। तो उन्होंने एक बात सुनाई थी, वो दोहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो लोह भस्म होई जाए। तो ये छोटे छोटे जीव जंतु, मछली है, मेंढक है, चिड़िया है, मुर्गा है, बकरे हैं, ये बेचारे कमजोर हैं आदमी से, इनको मार कर मत खाओ। इनकी बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी जो पत्तियां खाती है उसकी तो खाल काढ़ ली गई, और जो नर बकरी खाते हैं उनका कौन हवाला? जो पत्ती खाती तो उसकी खाल निकाली गई, और जो बकरी को ही खा जाते तो उनकी क्या निकाली जाएगी? उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। इसलिए मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कभी मत करना, और टीवी में सीरियल नाटक नाच कूद मत देखो, होशियार बनो, टाइम बर्बाद मत करो, और न्यूज़पेपर को भी 10 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ो, मोटी मोटी हेडिंग देख लो फट से रख दो, और 2 से ज़्यादा चाय भी मत पियो, बस सुबह शाम पी लिया, और अगर कभी कभी चाय का व्रत भी लो एक दिन, और कभी कभी आधा दिन व्रत रहो, और सत्संग में आना हो तो फल खा कर आओ, सत्संग में आना हो मूली गाजर जामफल केला पपीता ये खा कर आइए, और भोजन करके मत आइए, और सत्संग सुनिए उसके बाद जाइए शाम को खाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा कर बैठने से नींद आती है। तुम यहीं सोने लग जाते हो तो तुमको देखकर मुझे भी नींद आती है, तो इसलिए सत्संग में थोड़ा व्रत थोड़ा उपवास करके आना चाहिए, और अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, साफ़ सुथरा जगह, वहाँ सर्दियों में गर्म कंबल बिछाओ, उस पर बैठकर 10 मिनट ध्यान किया करो, 10 मिनट वहीं आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया करो, वहाँ 10 मिनट प्रवचन भी पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड से बजाकर अच्छे साउंड सिस्टम खरीदो बढ़िया वाले, और उसको सुना करो, और एक कमरा ऐसा अपने घर में बनाओ जिसमें कोई झंझट ना हो, किसी का सामान ना हो, उसमें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम
बैठ करके ध्यान भी लगाया करो, लेटे लेटे ध्यान किया करो, बैठे बैठे कमर दर्द होने लग जाती है, लेट जाओ, हाथ पांव ढीले कर दो, बिल्कुल मुर्दा की तरह लेट जाओ कि अब हम मर गए हैं, थोड़ी देर के लिए रहोगे, जिंदा मरोगे तो नहीं, लेकिन मुर्दा की तरह हाथ पांव ढीले करके लेट जाओ। नींद आ जाए ध्यान में तो सो जाने दो, नींद की भी परवाह मत करो, जागूंगा कि सोऊंगा उससे कोई मतलब नहीं, शरीर सोना चाहता सो जाने दो, ध्यान में ही सो जाओ। एक घंटे बाद जब आँख खुलेगी तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, शांति मिलेगी, यथाह शांति। मैंने दो आदमियों को लेट कर ध्यान करवाया हूँ, एक तो श्री ललन तिवारी जी, इंजीनियर सिंचाई विभाग के, आजमगढ़ के निवासी उत्तर प्रदेश के, उनको कोटा में ध्यान करवाया था, और दूसरे जगदीश भाई पटेल गुजरात कैलिफोर्निया वाले, तो उनको ध्यान करवाया था मैंने। तो वो जगदीश भाई को मैंने जलोदिया यानी इंदौर के गांव में ध्यान करवाया था, तो वो दोनों बेहोश हो गए ध्यान में, और मैं चुपके से कमरे से निकल कर बाहर चला गया, और उनको डेढ़ घंटे बाद आँख खुली। तो उठे तो इतना सुख मिला, तो बोले गुरुदेव जिंदगी में इतना सुख नहीं मिला, आपने क्या किया गुरुदेव, तो हमने कहा बेहोश कर दिया, तो बोले फिर करो बेहोश, हमने कहा अब नहीं करूँगा, रोज़ थोड़े बेहोश किया जाता है, एक बार सिखा दिया, अपने घर में करो जाकर। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, तो हमारी इंद्रियों पर संयम हो जाए, और इंद्रियों पर संयम जिसका होता है ना, बहुत बड़ी बात लिखी है विदुर नीति में कि वशेन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्छि कारणम श्री निरसेवते। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, जितात्मानम जिसका मन भी वश में है, धृत दंडम गलती करने वालों को उचित दंड देता है, विकारिषु और जिसके मन में कोई विकार नहीं है, और परीक्षा लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेकर के काम करता है, कहते हैं वह व्यक्ति लक्ष्मी पति होता है, और लक्ष्मी उसकी खूब सेवा करती है, उसके घर में संपत्ति और शांति दोनों का निवास रहता है। इसलिए सहज रूप से अपने मन को बस में रखिए, ऐसे गीत मत गाइए मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, इस तरह के गीत गाओगे तो मन की क्या दशा होगी, मन बस में होना चाहिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, गाऊं मन की तरंग मार लो, वाह वाह, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। तुम बड़े हो तुम्हारी आदतें बड़ी नहीं हैं, आदत तुमने बनाया है, आदत ने तुमने बनाया, आदत को तुमने बनाया है, आदत ने तुमको नहीं बनाया है। तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुम्हारी आदत बनी है, आदत बिगड़ी है, तुम्हारे जन्म के साथ कोई आदत नहीं आई है। आदत तुम्हारे हाथ का खिलौना है, आदत तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। आदत को तुम जीत सकते हो लेकिन आदत से पराजित क्यों होते हो? अब आदमी एक है आदत अनेक है, अधिक सोने की आदत, थोड़ी सी बात हो जाए तो रोने की आदत, और रोने में विवेक ना करने की आदत, चौराहे पर रोने लग गए, इज्जत का सवाल है फिर भी रो रहे हैं, अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद ये कहने की आदत कल कम खाऊंगा, और कल खाने बैठे फिर डबल खाने की आदत, ये सब आदत ही तो है। गंदगी फैलाने की आदत, आलस्य करने की आदत, गाली देने की आदत, बात बात में अपशब्द बोलने की आदत, साइकिल को भी गाली देने की आदत, चप्पल जूते ढूंढे नहीं मिले तो उनको गाली देने की आदत, द्वार पर कुतिया बैठी उसको भी गाली देने की आदत,
कुतिया तुम्हारी गाली समझती है क्या? और कुतिया को जो गाली देते हो पूंछ हिलाती है, वो समझती कुछ अच्छी बात कह रहा है। अपनी वाइफ को गाली देने की आदत, वाइफ सोचती है कि वाह जब शादी नहीं हुई थी तब तो बड़ा सुंदर दिखाई देता था ये पति, उस समय भोला राम था, ये बम भोला हो गया, ये कैसी गाली उल्टी पलटी निकालता है। असभ्यता करने की आदत, उल्टा पलटा काम करने की आदत, खूब झूठ बोलने की आदत, लालच करने की आदत, कंजूसी की आदत, दान पुण्य ना करने की आदत, दूसरों से झगड़ा करने की आदत, फालतू विवाद करने की आदत, गम ना खाने की आदत, दुष्टता की आदत, झूठे बर्तन इधर उधर डाल देने की आदत, सामान इधर उधर बिखेरने की आदत। घर की एक स्त्री सामान सब सेटिंग जमाती है, घर के 10 लोग उसको इधर उधर फेंकते हैं डालते हैं, इसमें भी उलझन खड़ी होती, ये भी गलत आदत है। सामान को यथास्थान रखने की आदत बनाइए, जहाँ से काम के लिए उठाया वहीं रखिए। उठाने को अकल है और रखने का अकल नहीं है तो उठाया क्यों, फिर वहीं रखो जाकर। इस आदत को भी सुधारिए ताकि घर की महिलाओं को डिस्टर्ब ना हो, असमंजस ना पड़े। शक्कर उठाया यहाँ से और रख दिया जाकर बेडरूम में, दोबारा जरूरत पड़ी ढूंढे डिब्बा नहीं मिल रहा है, अब चाय खोल रही हो शक्कर ढूंढ रहे हैं, अब शक्कर मिली नहीं चाय जल गई, बोलते मेहमान बैठे हैं चाय क्यों नहीं आई, और डिब्बा वहाँ तुम रख के गए हो चाय यहाँ बता रहे। तो यथास्थान सामान रखिए, घड़ी रखने के स्थान पर घड़ी रखिए, लोटा बाल्टी रखने का स्थान पर लोटा बाल्टी रखिए, बर्तनों को मांस धोकर रखिए, गंदगी मत फैलाइए, आलस मत कीजिए, बड़े नाखून रखने की आदत। ये बड़े नाखून ये कौन सा फैशन है, शेर बाघ भेड़िया के बड़े नाखून होते हैं, कुत्ते के बड़े नाखून होते, अभी तक तुमको ये पता ही नहीं चला कि तुम शेर भाग भेड़िया हो कि आदमी हो, तुम बड़े नाखून क्यों रखते हो। तो ये भी आदत गलत है। अभी इतना नाखून बहुत बड़ा होगा तो कार्य करने में बाधक होगा, अरे उसको काटो तुम्हारा कौन नाखून देख रहा है, किसको टाइम है तुम्हारा नाखून देखे, तुम्हारा मुँह देखने का तो टाइम नहीं किसी को, तुम नाखून लिए घूमते हो। और कंपटीशन करने की आदत, पड़ोसी स्त्री साड़ी पहने खड़ी है उसको देख लिया, आप अपने घर में उलझन मचा दिया कि मैं भी इसी तरह साड़ी लाऊंगी, अब पति की हालत को देख नहीं रही कि पति की हालत क्या, पाजामा फटा हुआ है, सब्जी खरीदने पैसा नहीं, साड़ी का झगड़ा चालू। अरे पड़ोसी चाहे साड़ी पहने, कौन साड़ी देखता है, किसी को टाइम नहीं देखने का। मैं सिंपल कपड़ा पहनता हूँ, व्हाइट ही व्हाइट, लेकिन लाखों लोग मेरे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा चरण छो लूं, गुरुदेव को देख लूं, तो कपड़े थोड़े मेरे देखते हैं वे लोग, वे मेरे वाणी से प्रभावित हैं, चरित्र से प्रभावित हैं, ज्ञान से प्रभावित हैं, इसलिए वे दर्शन करना चाहते, नमस्कार करना चाहते हैं। बाकी ऐसे सफ़ेद कपड़ा तो बहुत लोग पहनते हैं, कपड़ों से क्या लेना देना है, लेकिन नंगे घूमने की भी जरूरत नहीं है, कपड़ा भी पहनिए, थोड़ा अच्छे भी पहन लीजिए, लेकिन पैसे कम हैं तो कम अच्छे पहन लीजिए, और पैसे अच्छे हैं तो अच्छे पहन लीजिए, और पैसे अगर बहुत ज़्यादा हैं तो दूसरों को भी पहना दीजिए, दूसरों को भी बांट दीजिए, अपने लिए ही थोड़े सब इतना लाद के चलो फालतू अकेले, दूसरों का भी ध्यान दीजिए। भैंस इतना दूध देती है खुद थोड़े पी लेती है, दूसरों को पिला देती है, तुम भैंस से भी गाढ़े हो, तुम्हारे इतना धन है खुद ही सब हजम कर रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। भैंस से भी सीखो, घास खाती है 10 लीटर दूध देती है, जिसमें 20 लोग 50 लोग 100 लोग चाय पीते हैं, और तुम उसका दूध पी करके जो धन कमाते हो अकेले सब हजम करना चाहते हो, तुम भी बांटो उसको, खिलाओ लोगों को, परोपकार करो, सेवा करो, उपकार करो। तो ये बहुत सारी आदतें हैं। झाड़ू तोड़ देने की आदत, कभी झाड़ू लगाने को पड़ गया तो झाड़ू ही तोड़ डाला गुस्सा में कि तोड़ दूंगा तो कल लगाने नहीं पड़ेगा, पर इतना उसको मालूम नहीं मार्केट में दूसरा बिक रहा, वो आ जाएगा तेरे लिए। नुकसान मत कीजिए, घड़ी को भी संभाल कर रखिए, मोबाइल को भी संभाल कर रखिए, मोबाइल का दुरुपयोग करने की आदत, 1 मिनट की बात को 10 मिनट करने की आदत, हेलो हेलो करते रहने की आदत, फालतू मोबाइल लगाने की आदत, आवश्यक बात कीजिए,
टूक टूक बात किया, फट से रख दिया, आवश्यक सलाह कीजिए। और रजाई में नाक पोंछ देने की आदत, किसी के घर मेहमान बनकर गए तो वहां से कंबल चुरा लाने की आदत, घर मालिक भी सोच रहा कंबल क्या हुआ, वो चोर दास ले गए, तो अगला मेहमान आएगा तो उसको कंबल ओढ़ने कौन देगा, तो उसको ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी। चुराने की आदत भी छोड़िए, और तंबाकू खाने की आदत। आज शोभा यात्रा में एक आदमी चल रहा था, गायत्री का झोला टांगे था और एक टोपी लगाया था, उस पर कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे पास आकर साइड में मुस्कराता था। हमने कहा तुम पान तंबाकू थूक कराओ और ये गायत्री झोला या तो उतार दो जाकर। अब गायत्री परिवार का झोला टांगे हो और मुंह में पान तंबाकू सब भरे हो, गोबर गिलबिल गिलबिल बोलते हो, हमारे पड़ोस आते हो हम पर थूकते हो, बोलते हो थोड़ा माल तुम भी ले लो, गंगोत्री छींटे हैं। तो मैं तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा दूर रहो और कुल्ला करो, इसको क्या खाने पीने। धार्मिक लोग हो, ये कपड़े ऐसे पीले रंग के पहने हो और तुम्हारा ये नशा व्यसन को छोटा नहीं, तो बदनामी नहीं होगी वो गायत्री परिवार की? काहे के लिए उसका कुर्ता पहने हो, उतारो कुर्ता, वो पीले रंग का पहनो जाकर, काला रंग का जो भी खाना गोबर खाओ जाकर। फिर ये पोशाक साधु की पोशाक पहन करके थोड़ा संभल कर रहो, उल्टा पलटा काम क्यों करते हो, बीड़ी क्यों पीते हो, साधु बाबा गांजा क्यों पी। कितने लोग तो साधु बन गए, घर छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, अब गांजा का चिलम पकड़ा है, अब घुटना टेक कर खींचते हैं, बम भोले लगा गोले, कितनी मूर्खता है। और बीड़ी भांग अफीम चरस गांजा सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। जब एक बीड़ी और गांजा की आदत तुम्हारी नहीं छूटी तो बड़े बड़े विषय हैं, इनको कैसे जीतोगे तुम? छोड़िए ना उसको, क्यों पकड़े हो, क्यों पीते हो, स्वस्थ रहो। साधु को तो बहुत स्वस्थ रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए। साधु तो दुनिया का अनोखा व्यक्ति होता है, ये कौन मॉडल के साधु हो, महा गंदगी ले से घूम रहे हो। कितने साधु हाथ पांव नहीं धोते हैं, सब पांव में गोबर लथेरे पथेड़े जा रहे, अरे धो लो, सफाई से रहो। खाते हैं तो इतना खाते हैं कि पूरा एक भैंसा भर का भोजन खाते हैं और फिर पड़े रहते हैं, और पेट क्या है, पूरा इंडिया गेट है। ये कौन मॉडल की सदुवाई है? कम भोजन कीजिए, व्यायाम भी कीजिए, खुश भी रहिए, गम भी खाइए, भक्तों को प्रेम कीजिए, नाराज मत होइए, निभा लीजिए, सब कम ज़्यादा बेचारे सबका प्रेम है, गुस्सा न होइए। अभी एक टीआई कह रहा था कि मैं कुंभ मेले सिंहस्थ में निकला मोटरसाइकिल से तो दो तीन बाबा लोगों ने डंडा लेकर रोका, तो मैंने सोचा आज पिटाई हो जाएगी लग रहा, बाबा लोग बोले खैर, उन्होंने ये कहा कि रुको तो मैं रुक गया, बोले इधर मोटरसाइकिल मोड़ो, पहले भोजन भंडारा ले लो उसके बाद जाना। हमने कहा जय बजरंग बली, ठीक है। सुंदर स्वभाव बनाइए, अच्छे संत बनिए, साधु बनिए तो साधुनी साथ में मत रखिए, क्योंकि बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। आप घर बार छोड़ दिए, घर छोड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं, घर तो नेता भी छोड़ कर दिल्ली में रहता है, घर तो लड़के लड़की भाग जाते छोड़ के न जाने कहाँ बिल्ली में रहते हैं, घर छोड़ करके आतंकवादी भाग जाते जंगल में रहते हैं। घर छोड़ना, घर त्याग करना, गांव त्याग करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए तुमने त्याग किया है, अगर वह महान उद्देश्य है तो तुम्हारा त्याग करना धन्यवाद का पात्र है। हमारे गुरु जी कहते थे कि मेरे से बताते थे कि तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे लंबी होगी, तुमने कहा क्यों? बोले तुम विद्यार्थी हो, पता नहीं फिर मन बदल जाए तो। हमने कहा मन नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया बदल जाए। तो 6 महीने तक उन्होंने ये कपड़े ही नहीं दिया, 3 बार वापस लौटाए अपने घर जाओ। तो मैंने कहा मैं खुद मार्केट में खरीद कर पहन लूँगा, तो बाजार में खरीद के पहन के पैंट वेंट फेंक दिया। मैंने कहा बवाल ख़त्म करो, और बन के साधु पहुँच गए गुरु के पास, तो गुरु जी बोले खुद पहन लिए। हमने कहा 6 महीने हो गए इंतजार में, तो आप कपड़े नहीं चेंज कर रहे? मैं चेंज कर दिया।
अरे बोले मन भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो बचपन से चेंज है। बोले फिर वापस मत लौटना। हमने कहा सवाल ही नहीं उठता है। तो बोले ठीक ठाक रहना। हमने कहा बिल्कुल फिट रहूँगा। तो मेरा गुरु बहुत खुश हुआ। एक साल के बाद उसने अपनी गद्दी हमको दे दी। हमने कहा गद्दी वद्दी तो खैर लूँगा नहीं, लेकिन यह है सेवा कर दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम सत्संग सुनाया करो। मैंने कहा तो बचपन से मेरा है अभ्यास, मैं बचपन से प्रवचन करता था, स्कूल के टीचरों को भी प्रवचन सुनाता था, विद्यार्थियों को सुनाता था, गांव में सुनाता था, कहीं मेहमान बनकर गए वहां प्रवचन चालू कर देता था। प्रवचन की कला बचपन से थी, लेकिन साधु बना तो हमने कहा ये प्रवचन वचन बंद करो, अपना ध्यान लगाओ। तो 10 साल इसमें आंखें मूंद के बैठे रहे हम। तो गुरु जी ने कहा आंखें खोल के सत्संग सुनाओ। ऐसे ही सबकी आंखें मूंदी हैं, सब माया मोह मंदे हैं, और तुम भी आंखें मूंद लोगे तो इनकी आंखें खोलेगा कौन? तुम अपनी आंख खोलो, फिर इनकी खोल दो जाकर। तो फिर सत्संग शुरू किया मैंने, और सत्संग करते करते तुम्हारे टिमरनी में आ गया। अच्छे संत बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी लाड़ी बनो, और अच्छे बेटा बेटी बनो, अच्छे शिष्य बनो। जो भी बनो तुम्हारे में क्वालिटी होनी चाहिए। याद रखना, ना पतियों की दुनिया में कमी है, ना पत्नियों की कमी, ना शिष्यों की कमी, ना गुरुओं की कमी है, ना साधुओं की कमी है, ना दुकानदारों की कमी है, ना नेताओं की कमी है। लेकिन जिसमें क्वालिटी है उसी को सम्मान मिलता है, और जिसमें क्वालिटी नहीं वो कबाड़ खाने में पड़े रहते हैं। अपने अंदर क्वालिटी लाइए। और हर चीज में क्वालिटी का ही खेल है। बात करने में भी क्वालिटी हो। जल्दी जल्दी बहुत बात करोगे लोग समझ ही नहीं पाएंगे। साफ शब्द नहीं बोलोगे, गलबल गलबल, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। और बहुत धीरे धीरे बोलोगे कोई सुन ही नहीं पाएगा। बहुत जोर चिल्लाओगे तो लोगों के कान का पर्दा फट जाएगा, कोई सुनेगा ही नहीं। रेर मारोगे ज्यादा। और बहुत कम स्पीड से बोलोगे तो लोग ऊब जाएंगे कि इसमें टाइम पास हो रहा है। एक सेंटेंस बोल के एक मिनट रुके ही रहते हैं। और मधुर नहीं बोलोगे सुनेगा कौन? प्रसन्न होकर नहीं बोलोगे तो मधुरता आएगी कैसे? और खुद दिल खुश नहीं होगा तो मिठास पैदा होगी कैसे? तो ये सब बोलने में भी क्वालिटी पैदा करो, गाड़ी चलाने में भी क्वालिटी पैदा करो। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। हर पुलिस का अफसर प्रधानमंत्री का कमांडो नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। हर साधु टिमरनी में सत्संग करने के लिए दुबे जी बुला नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। और हर साधु के सत्संग में तुम जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं। क्वालिटी के बिना संत भी व्यर्थ हो जाता है, क्वालिटी के बिना हर इंसान व्यर्थ हो जाता है, क्वालिटी के बिना माल और सामान व्यर्थ हो जाता है। और जिस सामान में क्वालिटी है वो सामान भी अच्छी कीमत में बिकता है, जिस इंसान में क्वालिटी है उसकी भी बहुत बड़ी कीमत बनी रहती है। नेता तो बहुत है, नेताओं की क्या कमी है? सब गाँव भर नेता है, लेकिन नेता में क्वालिटी हो। गांव में इतनी नेतागिरी और सड़क कच्ची पड़ी है, गड्ढम गड्ढी है, कीचड़ खाचड़ है, नेतागिरी खूब है। जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारा हाथ गरीब का साथ, हमारा फूल सबका मकान कबूल। लेकिन कुछ वहां दिखना तो चाहिए ना। उसी गांव के नेता उसी गांव की रोड उखड़ी है, वह गांव के विधायक है। तो हमने कहा विधायक जी ये रोड नहीं बनवाए? तो बोले कि इसलिए नहीं बनवाए कि अन्य गाँव वाले कहीं हैं कि अपने गाँव की रोड बनवाई, लेकिन हमारा नहीं बनवाई। तो हम कहें तो ये गाड़ी काहे लाओ? अन्य लोग कहीं हैं अपन गाड़ी लाए, हमारी गाड़ी नहीं मंगाई, अपन विकास क्यों करो? तो अब ये सोचने की बात है, अपने गांव का भी विकास करो, क्षेत्र का विकास करो, उन्नति करो, और अच्छा लोगों को पहचान रखो, प्रेम करो। क्योंकि कंपटीशन नेता नेता में भी है, कंपटीशन पार्टी पार्टी में भी है, कंपटीशन सब जगह पर है। और कंपटीशन में वही आगे जाएगा जिसमें विशेष क्वालिटी होगी, वो नंबर वन पर निकलेगा। इसलिए क्वालिटीदार इंसान बनो, क्वालिटी वाली पत्नी भी बनो। संसार में स्त्रियां तो बहुत हैं, भोजन सभी बनाती हैं, क्वालिटी नहीं है। कोई स्त्री भोजन बनाती है तो भात में नमक डाल देती है और दाल में डालती ही नहीं है,
तो पति कहता है क्या कहा, बोले दाल भात मिलाकर खाने ही चाहिए, इसमें पड़े चाहे उसमें पड़े, तर्क बहुत करती ये क्वालिटी में अंतर है। भोजन बनाइए साफ सुथरा, कटोरियों में परोसिए तो छीटा छाटी ना हो, ये नहीं दाल इधर पड़ी उधर पड़ी, सब्जी चू गई, और ऐसे ढंग से परोसिए कि ज़्यादा ज़्यादा भी मत दीजिए, बहुत कम भी मत दीजिए, अंदाज लगा लीजिए अगले कितना खाते हैं रोज, उस हिसाब से दीजिए, फालतू मत दीजिए, जूठा होगा खराब हो जाएगा। फिर भोजन की थाली रखने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, थाली लाकर मेज पर पटक दिया लो खा लो, थोड़ा माथा सिकोड़ कर बोल दिया क्वालिटी डाउन हो गई, थोड़ा मुस्करा कर बोला प्रेम से थाली रख के कि लीजिए खाइए महाप्रसाद का भोग लगाइए, शब्द बदल कर बोल दिया खाने वाला खुश हो गया। टेस्ट भोजन में कम होता है, टेस्ट तो सम्मान में ज्यादा होता है, इसलिए प्रेम से खिलाने की क्वालिटी भी आनी चाहिए। गाड़ी चलाने की भी क्वालिटी हो, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं तो बैठने वाले पैसेंजर भगवान का नाम लेते रहते, भगवान किसी तरह घर पहुंच जाएं, परलोक न पहुंच जाएं कहीं, ऐसा तेज भगाते हैं, हड़हड़ हड़हड़ भड़बड़ भड़बड़, कितने मोटरसाइकिल चालकों की पत्नी गिर गई टिमरनी में भी पहुंच गई हरदा में खोपड़ी फूट गई बेहोश पड़ी है, ये कौन चलाने का ढंग है? थोड़ा शांति से चलाओ, चोट लग जाएगी, दुख हो जाएगा, कोई मर मरा जाएगा, प्रेम से चलो, बहुत भड़बड़ क्यों मचाते हो? तो गाड़ी चलाने में भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए शांतिपूर्वक, और साथ साथ में याद रखना बैठने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े मत बैठा करो, हंसने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ा ढंग से भी हंसा करो, और मुस्कराने में भी क्वालिटी हो, काम करने में भी क्वालिटी हो, बिस्तर बिछाने में क्वालिटी हो। हमारे भक्त मनोज भाई पटेल और मीना पटेल गुजरात के अमेरिका में सर्विस करते हैं, तो मैंने पूछा उनसे वहाँ क्या काम करते हो, बोले बिस्तर लगाने का काम है। मैंने कहा घर में कितनी ज़मीन है, बोले 50 एकड़, तो 50 एकड़ ज़मीन, बोले घर में 10 नौकर लगे हैं। तो हमने कहा फिर तुम नौकरी क्यों करते हो, बोले क्वालिटी है हमें। तो हमने कहा फ़ायदा क्या है, बोले 30,000 रुपये इंडियन डेली हमको वेतन मिलता है बिस्तर लगाने का, बड़ी होटलों का बिस्तर सेट करता हूँ, हम पति पत्नी दोनों एक साथ काम करते हैं और बिस्तर सेटिंग करते हैं, बस 30,000 रुपये इंडियन रोज मिलता है। तो हमने कहा तो ऐसा बिस्तर यहाँ भी लगा दिया करो, हम आते हैं। बोले आपका बिस्तर लगा दिया, देख लीजिए क्वालिटीदार लगा है, मैं गुजरात जाता हूँ सब बिस्तर लगा मिलता है, संतों का भी लगा हुआ, तकिया लगी हुई, चादर बिछी हुई, किस गद्दे से गद्दे दूरी कितनी रखी, बीच में जगह कितनी छोड़नी है, सिरहाने भी जगह छोड़नी है, और गुरुदेव का बिस्तर कंप्लीट क्वालिटी। तो मैं आपसे भी कहता हूँ जो भी काम करो क्वालिटी का काम करो, तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कमांड बढ़ेगा, और तुमको दुनिया पसंद करेगी, और तुम कभी खाली नहीं रहोगे, हमेशा तुम कहीं ना कहीं यूज कर लिए जाओगे, जिसमें क्वालिटी नहीं होती है वो मिसयूज हो जाता है, जिसमें क्वालिटी होती है वो खूब यूज होता है। आपका इस दुनिया में प्रयोग हो, ऐसी आपके अंदर क्वालिटी में निखार आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। टिमरनी के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो आपको आत्मज्ञान होना चाहिए कि तुम कौन हो। आज थोड़ी देर में आत्मा परमात्मा की बात भी बता देता हूँ, 2 मिनट में चुटकी बजाने का काम है। तुम्हारा जो ये शरीर है ये तो ऊपर का कवर है, लिफाफा है, जो अंदर मन है वो शरीर और आत्मा को जोड़ने का साधन है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम भीतर बैठे हुए परम तत्व, पवित्र तत्व, अविनाशी तत्व, परमात्मा का रूप आत्मा हो, और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती है, तुम्हारा कभी जन्म भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु ये शरीर की होती है, और शरीर बीमार होता, शरीर दवा खाता है, तुम्हारे अंदर बीमारी भी नहीं आती है।
आत्मा रोग से भी मुक्त है, जन्म मरण से मुक्त है, और सबके अंदर बहुत सूक्ष्म आत्मा बैठा हुआ है। हाथी के अंदर भी, कीड़ी के अंदर भी, नारी के अंदर भी, पुरुष के अंदर भी, सबके अंदर जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्म तत्व बैठा है। और वो जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर जीवित रहता है।